नमस्कार, ये है टॉप न्यूज। मैं हूँ विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के एक कद्दावर नेता पी चिदम्बरम की रिहाई की संभावना पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब ये है कि ईडी चिदम्बरम की औपचारिक गिरफ्तारी करके पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। चिदम्बरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अग्रिम जमानत को किसी को उसके अधिकार के तौर पर नहीं दिया जा सकता, ये केस टू केस पर निर्भर करता है। अदालत ने कहा कि हमने ईडी की केस डायरी को देखा है और हम उनके इस दावे से सहमत हैं कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने ईडी की इस दलील पर भी सहमति जताई कि इस केस में मनी ट्रेल को उजागर करना जरूरी है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि चिदम्बरम चाहे तो नियमित जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। ट्रैफिक के सख्त नियम लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर के पेट्रोल पंप्स पर काफी भीड़ देखी जा रही है। जी नहीं, ये भीड़ पेट्रोल डीजल भरवाने वालों की नहीं बल्कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए लग रही है। इसकी वजह यह है कि पॉल्यूशन का चालान जो पहले 1000 रुपए का था वो अब 10000 का हो गया है। आलम यह है कि राजधानी के 950 सेंटर्स पर ही 4 दिन में 1,28,000 गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर्स पर इन दिनों ऐसी गाड़ियां भी आ रही हैं जिनका सालों से पॉल्यूशन चेक हुआ ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर ने बताया कि दिल्ली में रोज 12,000 से 15,000 गाड़ियों का पॉल्यूशन चेक होता था। ये तादाद बढ़कर अब 44,000 के करीब पहुंच चुकी है। कनॉट प्लेस के ऐसे ही एक सेंटर पर अधिकारियों ने बताया कि पहले जहां 60 से 100 लोग रोज आते थे, अब ये तादाद 200 पार कर गई है। इससे लोगों को सेंटर में ज्यादा वक्त भी लग रहा है। सर्वर स्लो होने की समस्या से सिस्टम भी धीमा काम कर रहा है। पहले 3 से 5 मिनट में पीयूसी सर्टिफिकेट जारी हो जाता था, लेकिन अब 30 मिनट तक की देरी हो रही है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 और 35 से हटाने का एक महीना पूरा होने पर एक शॉर्ट फिल्म जारी की है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने बुधवार को यह शॉर्ट फिल्म रिलीज की, जिसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने का जिक्र है। ये वीडियो पीएम नरेंद्र मोदी के लाल किले पर दिए गए भाषण से शुरू होता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ये अनुच्छेद सूबे के विकास के लिए इतने ही महत्वपूर्ण थे तो फिर उन्हें स्थायी दर्जा क्यों नहीं दिया गया। यही नहीं, वीडियो का समापन भी पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम दिए गए संबोधन से ही होता है। 11 मिनट के इस वीडियो में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा गया है। कश्मीर की स्थिति के लिए उनकी ऐतिहासिक गलती को जिम्मेदार ठहराया गया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के एक महीने बाद घाटी के कुछ हिस्सों में बुधवार आधी रात से मोबाइल की घंटियां भी बजनी शुरू हो गई हैं। लोगों ने राहत की सांस ली और अपने फिक्रमंदों का नंबर मिलाकर अपनी खैरियत की जानकारी दी। पिछले महीने 5 अगस्त को केंद्र की ओर से अनुच्छेद 370 के आधिकारिक प्रावधानों को समाप्त करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद से घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित थी। अधिकारियों के अनुसार एक दिन पहले तक घाटी में 95 टेलीफोन एक्सचेंजेस में से 76 में लैंडलाइन सेवाएं बहाल कर दी गई। हालांकि ये सेवा कारोबारी क्षेत्र लाल चौक और प्रेस एंक्लेव में अब भी बंद है। कुपवाड़ा में मोबाइल फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने धैर्य बनाए रखने के लिए सभी को शुक्रिया कहा है। इलियाना डिक्रूज बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। हाल ही फॉलोअर्स के साथ चैट सेशन में किसी ने उनसे अमर्यादित सवाल पूछा, जिसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल इलियाना ने एक इंस्टा स्टोरी पर आस्क मी सेशन शुरू किया। इस सेशन के दौरान इलियाना से उनकी वर्जिनिटी के बारे में सवाल किया गया। किसी ने उनसे पूछा, आपने अपनी वर्जिनिटी कब खोई? इलियाना ने जवाब दिया, आप दूसरों के मामलों में काफी घुसते हैं, आपकी माँ क्या कहेगी। ये है अभी की खास खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।